Morning students, now today we start with the soil. We have read the land. Now the next topic is soil. Of all the land resources, soil is our prime resource. अभी अब तक हमने land resources का पढ़ा था. Now soil is our prime resource. Soil a prime resource है. The plants that grow on land would not exist without the thin loose surface layer that we call soil. जो plants हैं वो एग्जिस्ट नहीं हो पाते अगर जो सॉइल है वो लूज होगी, थिन होगी और बिखरी सी रहेगी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सॉइल. क्योंकि प्लांट्स, एनिमल और जो ह्यूमन लाइफ है वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, सॉइल पर डिपेंड रहते हैं. बिसाइड फूड्स, फाइबर लाइक कॉटन दैट प्रोवाइड अस विद द क्लोथिंग एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स ऑफ डेली लाइफ आर ऑल्सो ग्रोन ऑन सॉइल. और बिसाइड्स फूड, फूड के साथ साथ फाइबर्स जैसे कॉटन, जूट, दे प्रोवाइड अस फॉर क्लोथिंग, जो कपड़े बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं आर ऑल्सो ग्रोन ऑन सॉइल, सॉइल पे होते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, द फर्स्ट स्टेप इन सॉइल बिल्डिंग इज़ द वेदरिंग ऑफ रॉक विच फॉर्म्स द रिकॉलेट. जो पहला स्टेप है इसका सॉइल बिल्डिंग का वो वेदरिंग ऑफ रॉक है, यानी टुकड़े हैं जो कि रॉक के, विच फॉर्म्स द रिकॉलेट, जो कि रिकॉलेट रूप में होते हैं, यानी सॉलिड मटेरियल के रूप में ऊपर होते हैं, सबसे फर्स्ट लेयर पर होते हैं. एंड एक्यूमुलेशन ऑफ रॉक डेब्रीज अबव द बेड रॉक, और एक्यूमुलेट होते हैं, फैले हुए होते हैं, और डेब्रीज होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं बेड रॉक को. एंड एक्यूमुलेशन ऑफ रॉक डेब्रीज अबव द बेड रॉक, जो कि बेड रॉक से अबव होते हैं ये जो रॉक डेब्रीज हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं. वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज मॉसेस एंड लिचन्स बिकम एक्टिव इन दिस लेयर, और छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म जो रॉक्स पर पाए जाते हैं, जो हल्के से हम उसको प्लांट्स भी नहीं कह सकते, दीज आर कॉल्ड मॉसेस एंड लिचन्स, जो कि हल्की छोटी छोटी जड़ों के रूप में लगे हुए होते हैं, बिकम एक्टिव इन दिस लेयर, इस लेयर पर दिखते हैं. दे कम्बाइन विद द मिनरल मैटर इन द रॉक डेब्रीज टू फॉर्म सॉइल, और ये मिलकर मिनरल मैटर को, जो रॉक डेब्रीज है वो जिनको डिस्ट्रॉय, रॉक्स को डिस्ट्रॉय कर सॉइल के रूप में बनाते हैं. सॉइल्स आर देयरफॉर कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस. सॉइल जो कि मिनरल्स जिसमें कंपोज्ड हैं, जिसमें मिनरल्स पाए जाते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजी, प्लांट्स, एनिमल्स. नाउ द सॉइल प्रोफाइल, एज सॉइल फॉर्म्स हॉरिजेंटल लेयर्स डेवलप विद एज. आपने सबने देखा है कि सॉइल किस रूप में होती है, हॉरिजेंटल रूप में होती है. एज शोन इन द फिगर ऑन द नेक्स्ट पेज, सॉइल हॉरिजन टुगेदर मेक अप द सॉइल प्रोफाइल, और ये मिलकर जो हॉरिजन्स हैं वो सॉइल प्रोफाइल बनाते हैं. द थ्री मेन हॉरिजन आर ए, बी एंड सी, वाइल डी इज़ द बैड रॉक. ए हॉरिजन, इट कंप्राइज द सर्फेस ऑफ टॉप सॉइल. आप देख रहे हैं कि जो ए है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो टॉप सॉइल की ये है. ऑर्गेनिक मटेरियल एंड मिनरल मैटर डीकम्पोज इन दिस लेयर एंड फॉर्म अ लेयर ऑफ ह्यूमस. आपने देखा है जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, मिनरल मैटर है, वो डीकम्पोज होके इसके अंतर्गत जो नेचुरल केमिकल प्रोसेसेस होता है जिसको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं इस लेयर के अंतर्गत, वो ह्यूमस बनाते हैं, जो डिके ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म है. आप सबको पता है ह्यूमस का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ख़त्म होना, एज अ फॉसिल फ्यूल्स भी कह सकते हो आप ह्यूमस को. द सर्फेस ऑफ द ए लेयर दैट हैज़ द ह्यूमन ह्यूमस इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द ओ हॉरिजन. जो ए लेयर की जो सर्फेस है वो कई बार ओ हॉरिजन के नाम से भी जानी जाती है. ए कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द न्यूट्रेंट, जिसके अंदर बहुत अच्छा न्यूट्रेंट्स हैं, यानी अच्छे मटीरियल, मिनरल्स हैं एंड वाटर अवेलेबल है फॉर प्लांट्स टू बी फाउंड इन द ए हॉरिजन, जो कि ए हॉरिजन के लिए बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए. बी हॉरिजन, इट कंप्राइज द सब सॉइल. आपने देखा है ए जो हॉरिजन है उसके बाद बी हॉरिजन आता है. द सॉइल हॉरिजन हैज़ लिटिल ऑर्गेनिक मटेरियल इन इट, इसके अंदर बहुत कम ऑर्गेनिक मटेरियल होता है. थ्रू द मिनरल मटेरियल ऑफ द ओरिजिनल रॉक इज़ हैवली वेदर्ड, क्योंकि इतना ज़्यादा मात्रा में जो
मिनरल मटेरियल है वो वेदर्ड हो जाता है, यानी टूट जाता है, बिखर जाता है ओरिजिनल रॉक के रूप में. दिस हॉरिजन कंटेन्स सब्सटेंस वॉश इन टू इट फ्रॉम द ए हॉरिजन अबव एंड सी हॉरिजन बिलो. और ये वॉश्ड होके ए हॉरिजन के ऊपर आ जाते हैं और सी हॉरिजन के बिलो आ जाते हैं, यानी उसके नीचे आ जाते हैं, ना कि बी हॉरिजन में रहते हैं. जो भी ये सब्सटेंसेज हैं जो कि मिनरल मटेरियल है, वॉश्ड होके ए हॉरिजन के ऊपर आते हैं बेटा और सी हॉरिजन के नीचे चले जाते हैं, बिलो हो जाते हैं. सी हॉरिजन इट कंपोज ऑफ द लूज पेरेंट रॉक मटेरियल, इट हैज़ अंडरगोन लिटिल वैदरिंग. और ये लूज पेरेंट रॉक मटेरियल है, बीली मिट्टी है, दबी हुई मिट्टी नहीं है, रॉकी मटेरियल जैसा बहुत ज़्यादा नहीं है और लिटिल वैदरिंग है, बहुत बहुत कम यहाँ पर सैंड और क्ले मिलती है. डी हॉरिजन द लोअर मोस्ट हॉरिजन फाउंड जस्ट बिलो द सी हॉरिजन इट इज़ कॉल्ड बैड रॉक. और बैड रॉक जहाँ पर रॉकी आप मटेरियल कह सकते हो, जहाँ से शुरुआत होती है, वो डी हॉरिजन कहलाता है. सॉइल कैरेक्टर एंड फॉर्मेशन. नाउ सॉइल कैरेक्टर एंड फॉर्मेशन आर डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स. अब आप देख रहे हैं कि सॉइल कैरेक्टर क्या है, सॉइल का टेक्सचर कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये फॉर्मेशन हमको देखने को मिलेगी. कंपोजिशन ऑफ पेरेंट रॉक, ये किससे बना हुआ है, पेरेंट रॉक से. इट डिटरमाइन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल. द इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड मिनरल्स कंटेन इन द सॉइल विल बी सिमिलर टू दोज कंटेन इन द पेरेंट रॉक. और ये हमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें सॉइल के देखने को मिलेंगे इसके अंतर्गत. दैट इनऑर्गेनिक एलिमेंट, इसके अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं इस सॉइल में, विल बी सिमिलर, वो बिल्कुल सिमिलर हैं जैसे कि पेरेंट रॉक के अंतर्गत पाए गए हैं, पाए जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ सैंडस्टोन इज़ द पेरेंट रॉक. आपको पता है सैंडस्टोन एक तरह का क्ले या सैंड का मटेरियल है, यानी एक तरह का बिल्डिंग बनाने का मटेरियल होता है जो कि मिट्टी में सॉइल में पाया जाता है. द सॉइल विल बी सैंडी, और मिट्टी एक सैंडी है यानी बिल्कुल ज़्यादा स्मूथ मिट्टी है. वाइल द शेल गिव राइज टू क्ले सॉइल, और जो शेल हैं, जो सॉफ्ट स्टोन हैं जो कि क्ले से ही बने हुए हैं, वो इसको शेप ऊपर उठाते हैं, क्ले सॉइल को यानी चिकनी मिट्टी को ऊपर उठाते हैं. द टाइम ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, और आप सॉइल फॉर्मेशन के बनने का टाइम क्या है. द नेचर ऑफ द सॉइल ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइम पीरियड. अगर हम देखें तो सॉइल का जो बनने का टाइम पीरियड है वो नेचर पे डिपेंड करता है. फॉर विद द पेरेंट रॉक मटेरियल हैव बीन एक्सपोज टू वेदरिंग, जबकि पेरेंट रॉक में जो मटेरियल है वो एक्सपोज होते हैं यानी वेदरिंग होती है, जो टूटते हैं, बिखरते हैं, पत्थर जो छोटे सैंड के टुकड़े हैं, रॉकी मटेरियल है वो, एंड हैव सपोर्टेड वेजिटेशन, और वो वेजिटेशन को सपोर्ट करते हैं. द लॉन्गर द टाइम अ सॉइल हैज़ टेकन टू फॉर्म, बहुत लंबा टाइम लेती है मिट्टी जो सॉइल है वो बनने में, द मोर मैच्योर इट विल बी, और वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होती है जब वो बनती है. नाउ दिस अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू बेटा द कंपोजिशन ऑफ पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक कैसे बनती है, सैंडस्टोन के द्वारा होती है जो कि, और उसके अंदर सॉइल होती है जो सैंडी होती है. सैंडस्टोन लाइक अ क्ले एंड द स्मॉल पेबल्स कह लो या रॉकी मटेरियल कह लो उसका होता है, और शेल जो कि एक सॉफ्ट स्टोन है जो कि क्ले सॉइल यानी चिकनी मिट्टी को ऊपर उठाता है, और ये होती है पेरेंट रॉक. और उसके बाद टाइम पीरियड है कि ये सॉइल जो होती है वो टाइम पीरियड लेती है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम होता है इसको बनने के लिए, और जब वो बनती है तो मैच्योर हो जाती है. नाउ द टोपोग्राफी, द थर्ड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉइल फॉर्मेशन इज टोपोग्राफी. जो तीसरा फैक्टर हम देख रहे हैं वो इन्फ्लुएंस होता है सॉइल फॉर्मेशन, यानी सॉइल कैसे बनती है, यानी उसके ऊपर की लेयर जिसको हम टोपोग्राफी कहते हैं. इफ़ द लैंड इज हिली, अगर ज़मीन हिली एरिया वाली है, द सॉइल विल बी वॉश डाउन एज फास्ट एज इट फॉर्म्स, और सॉइल उसमें से हट जाती है, फास्ट हो जाती है, क्योंकि हिली एरिया है और वो बह जाती है पानी से. सच एरियाज़ हैव थिन इमेच्योर सॉइल, और वहाँ पर इस एरिया में बहुत कम पतली मिट्टी होती है, ज़्यादा गहराई वाली मिट्टी नहीं होती है, सॉइल इमेच्योर होती है. नाउ द नेक्स्ट इज क्लाइमेट, डेवलपिंग सॉइल्स आर इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाय क्लाइमेट. और जहाँ पर मिट्टी डेवलप होती है वो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, यानी वहाँ का क्लाइमेट कैसा है. टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इन्फ्लुएंस द
रेट ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग, और टेम्परेचर भी होता है कि उसका वहाँ पर मॉइस्चराइज कैसा है, मॉइस्चर कैसा है जिससे उसकी फिजिकल और केमिकल वेदरिंग कैसे हो, यानी वो केमिकल रूप में यानी उसके जो सब्सटेंस हैं उसके अंतर्गत, मिट्टी के अंतर्गत वो कैसे डेवलप हों, और ये सब चीज़ें, एंड डिटरमाइन द रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, और इसी तरह से उसके सॉइल बनने के तरीके होते हैं. डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल ऑल्सो गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेट. और डीकम्पोजिशन जो होता है सॉइल के अंतर्गत जो सब ऑर्गेनिक मैटर हैं, फंजी, बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, ह्यूमस, वो सारे ये सब क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस, क्लाइमेट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि उस समय का मॉइस्चर क्लाइमेट कैसा है, और वो हमें सॉइल बनाने में काम देते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवॉर्म आर इम्पॉर्टेंट टू इन एरेटिंग द सॉइल एज दे बुरू थ्रू इट. आपको पता है कि अर्थवॉर्म इज़ अ गुड फॉर द सॉइल, सॉइल के लिए बहुत अच्छे हैं, एरेटिंग है, यानी वो हेल्प करते हैं मिट्टी को एरेट करने के लिए, उसको मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए. इसलिए अर्थवॉर्म अंदर ही अंदर उसमें मिट्टी में अपना बुरो यानी घर से बिल से बनाए हुए होते हैं. रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑल्सो एरेट द सॉइल वाइल होल्डिंग इट इन प्लेस देयर बाय चेकिंग सॉइल इरोजन. और प्लांट्स ऑल्सो इरेट द सॉइल, आपको सबको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो सारे सॉइल्स में इरेट होते हैं वाइल होल्डिंग इट इन प्लेस, और ये सारे जो चीज़ें हैं वो मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं और सॉइल इरोजन से बचाते हैं. दैट्स ऑल बेटा, दिस इज़ द योर सॉइल कैरेक्टर्स. नाउ विद द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग. नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया. इंडिया हैज़ अ वेराइटी ऑफ सॉइल टाइप्स. इंडिया में बहुत तरह की सॉइल हैं ड्यू टू वेरिड टॉपोग्राफी. अलग अलग तरह की लेयर्स हैं, रेनफॉल अलग हैं, डिफरेंसेस ऑफ पेरेंट रॉक और जो सॉइल का टेक्सचर है वो भी सब अलग अलग हैं. द नंबर वन इज़ एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल इज डिपोजिटेड बाय रिवर एज सिल्ट. आप सबको पता है एलुवियल सॉइल क्या लाती है, सॉफ्ट सैंडी सिल्ट लेकर आती है जिसके अंतर्गत बहुत अच्छे मिनरल्स होते हैं जो रिवर के किनारे मिलते हैं, डिपॉजिट होते हैं. द ओल्डर एलुवियम इज़ नोन एज भंगर. जो पुराना एलुवियम है उसे भंगर कहते हैं और न्यू एलुवियम को खदर कहते हैं. आपने फिजिकल मैप में मैंने आपको बताया था. द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल एंड सस्टेन्स इंडियाज ग्रीनरी. और सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और सस्टेन्स इंडियन ग्रीनरीज. और ऐसी सॉइल जो एलुवियल सॉइल है वो फर्टाइल होने के साथ साथ इंडियन ग्रीनरीज को भी हेल्प करती है अच्छी उपजाऊ फर्टिलिटी देने की. नाउ द रेड सॉइल. इट इज़ डेवलप्ड बाय द वेदरिंग ऑफ द एंशियंट क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू. अगर हम देखें तो जो वेदरिंग होती है एंशियंट क्रिस्टलाइन, एंशियंट क्रिस्टलाइन मीनिंग इज़ कि मेटामॉर्फिक रॉक. मेटामॉर्फिक रॉक आपने देखा है कि मेटामॉर्फिक रॉक होती है वो डेवलप्ड कर जो है वो बहुत वेदरिंग का काम करती है, यानी रॉक मटेरियल के टुकड़े करने का काम करती है. और इग्नियस रॉक जो है वो पेनिनसुलर प्लेटू में पाई जाती है. इट इज़ क्वाइट फर्टाइल. ये थोड़ी फर्टाइल होती है लेकिन इसके ऊपर जो कल्टीवेशन होता है वो दूसरी तरह का होता है. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन, जो कि कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. नाउ द नेक्स्ट इज़ लैटराइट सॉइल. इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम क्रिस्टलाइन रॉक्स बाय इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन्स. ये एक क्रिस्टलाइन रूप में है. क्रिस्टलाइन का मतलब बेटा ये होता है कि अच्छी यानी स्मूथ, जिसे आप कह सको कि बहुत ज़्यादा अच्छी यानी रॉक का यानी हैवी रेन की वजह से ये लोग अच्छे पेड़ों को सपोर्ट करते हैं. इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन्स, और हैवी रेन्स की वजह से ये बहुत लीचिंग हो जाती है, चिकनी हो जाती है. जनरली इनफर्टाइल होती है, यानी ज़्यादातर इसमें कोई फार्मिंग नहीं हो सकती. इट कैन सपोर्ट ट्री क्रॉप सच एज कैशू एंड यूकोलिप्टस. और ये इस तरह के पेड़ों, कैशू, काजू और यूकोलिप्टस एक पेड़ होता है, हिली एरियाज में ज़्यादा पाया जाता है, उसको सपोर्ट करती है. ब्लैक सॉइल. इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ बेसाल्टिक लावा शीट इन द दक्कन ट्रैप रीजन. और आप ये जो फॉर्म्ड है ये किसके बनती है, जो लावा निकलता है
जो मैग्मा मेल्ट होके जो लावा के रूप में बाहर आता है वो एक लेयर बना देता है, तो उसको बेसिल्टिक लावा शीट कहते हैं। इन द दक्कन ट्रैप रीजन आपको देखने को मिलेगा दक्कन में इसको। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेगुलर सॉइल, इसे रेगुलर सॉइल भी कहते हैं, जो कि सैंडी एंड क्लेई होते हैं, और सैंडी एंड क्लेई है और लावा के रूप में होती है। इट इज़ ब्लैक इन कलर और ये काले रंग की है। सिंस इट होल्ड मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है। इट इज़ वेल सुटेड फॉर ग्रोइंग ऑफ कॉटन, ये कॉटन के लिए भी बहुत अच्छी है, शुगर केन के लिए भी, और मिलेट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। डेजर्ट सॉइल विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन, डेजर्ट सॉइल कैन बी यूज टू ग्रो मिलेट एंड मेज़। यहाँ पर ज़्यादा इरीगेशन नहीं होता, लेकिन ऐसा जिसमें कम पानी लगे, क्योंकि डेजर्ट एरिया में लो रेनफॉल होता है, इसलिए मिलेट्स एंड मेज़ जैसी चीज़ें पैदा होती हैं। माउंटेन सॉइल जो कि बहुत थिन सॉइल है, आर नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन, और ना ही इस पर कोई कल्टिवेशन होता है। सेलाइन सैंडी सॉइल, ये एक नमकीन नमक वाला कोस्टल एरिया के पास वाला एरिया कह सकते हो, जो कि जिसकी मिट्टी बहुत सेलाइन यानी नमकीन होती है, और ये सिर्फ कोकोनट और पाम ट्रीज़ के लिए अच्छी होती है। लॉस ऑफ सॉइल, सॉइल में जो सॉइल है वो लॉस तभी होती है जब इरोजन होता है और एग्जॉशन होता है, यानी वो बहकर निकल जाता है, वो लॉस करता है सॉइल को। द नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन, इट इज़ रिमूवल ऑफ सॉइल और द फिजिकल लॉस ऑफ द लेयर ऑफ सॉइल बाय द एजेंट ऑफ इरोजन। और जो सॉइल रिमूव होती है वो फिजिकल लॉस की वजह से भी होती है, यानी ऊपर की जो कुछ भी कैलमिटीज़ आ जाए, या विंड से, चाहे वाटर से, चाहे किसी भी वे में, वो लेयर फिजिकल लॉस होता है बाय द एजेंट ऑफ इरोजन, इरोजन के रूप में। रनिंग वाटर एंड विंड्स आर द मेजर एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन, और ये दोनों चीज़ें रनिंग वाटर और विंड जो है वो दोनों सॉइल इरोजन का कारण है। सॉइल एग्जोशन, सॉइल डिट्रॉइड्स एंड बिकम डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। सॉइल डिट्रॉइड्स तभी होती है जब उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है, एंड इन प्रॉपर कल्टीवेशन होता है, टेक्निक्स का यूज़ होता है, गलत टेक्निक्स का यूज़ होता है, ओवर क्रॉपिंग, एक के बाद एक दूसरी क्रॉप्स उगाते जाना, मल्टी क्रॉपिंग, एक ही जगह पर बहुत तरह की खेती करना, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करना यानी स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर करना, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का हटना, ड्राई फार्मिंग। और ड्राई फार्मिंग का मतलब होता है बेटा कि सिर्फ वहाँ पर ऐसी चीज़ें, जैसे डेजर्ट एरिया में ऐसी चीज़ें जहाँ पर बिना पानी के फार्मिंग हो सकती है, ऐसी चीज़ें उगाई जाएँ। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, और ज़्यादा टाइम जानवरों को खुला छोड़ देना, ओवर ग्रेजिंग उनको चरने के लिए, एंड ओवर इरीगेशन और बहुत ज़्यादा एक ही जगह पर इरीगेशन करना, एग्जॉस्ट सॉइल ऑफ इट्स पोटेंशियल यील्ड ऑफ गुड क्रॉप। और इस वजह से सॉइल ख़राब हो जाती है और उसमें पोटेंशियल बहुत कम हो जाता है कि अच्छी वैरायटी की गुड क्रॉप्स देने का। ओके बेटा, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू टूडेज, दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज टेल मी।